नमस्कार, वेलकम बैक टू द इंडियन हॉस्पिटैलिटी। आज बात करूंगा सीजर रिट्स के बारे में। कौन थे सीजर रिट्स? द फर्स्ट फाउंडर ऑफ रिट्स कार्ल्टन होटल कंपनी। ये वीडियो आपको हिला के रख देगी दिमाग से भी एंड अंदर से भी। जी हाँ, वीडियो को पूरा देखें, एक बार देखें, दो बार देखें, तीन बार देखें, आगे पीछे करके देखें, घुमा फिरा के देखें, क्योंकि ऐसे लोग सदी में चार से ही पैदा होते हैं। जी हाँ, इस वीडियो पर रिसर्च करके लाया हूँ, सारी डिफिकल्टीज, सारी स्ट्रगल फेस की है सीजर रिट्स ने ड्यूरिंग दी फाउंडेशन ऑफ द कंपनी ऑफ रिट्स कार्ल्टन ग्रुप। जी हाँ, जब आप सुनते हो रिट्स कार्ल्टन होटल पूना बैंगलोर मैरियट के अंदर आती है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, इतना बड़ा चेन, इतनी बड़ी ब्रांड रिट्स कार्ल्टन, जहां बात आती है प्रिंसिपल्स की, जहां बात आती है अपने स्टैंडर्ड्स की, 108 लग्जरी होटल्स ओवर दी 30 कंट्रीज। जी हाँ, 108 लग्जरी होटल्स और 30 कंट्रीज के अंदर ये लोग ऑपरेट करते हैं, और इनके अपकमिंग फ्यूचर होटल्स प्रोजेक्ट्स बहुत है। 46 होटल्स इनके अभी पाइपलाइन में है जो कि आगे ओपन होने वाले हैं। तो इतनी बड़ी ब्रांड, इतनी बड़ी एक होटल कंपनी, चेन्स ऑफ होटल की शुरुआत किस व्यक्ति ने की, उस व्यक्ति के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आप सुनना नहीं चाहोगे उसकी कहानी। वो थे सीजर रिट्स, जिनको बोला जाता है किंग्स ऑफ होटेलियर। जी हाँ, किंग्स ऑफ होटेलियर, मैंने क्या बोला, किंग्स ऑफ होटेलियर। द स्विस विलेज ऑफ नीदर 1850 में सीजर रिट्स का जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो खेत लीज पे लेते हैं वो हुआ करते थे द हर्ट्समैन। जी हाँ, 12 साल की उम्र में इनको मैथ्स और फ्रेंच पढ़ने को भेज दिया गया, जो कि फ्रांस में। बहुत प्रीमियम कंटेंट लेके आया हूँ आपको इस वीडियो के अंदर, जो कि आपको कोई नहीं देने वाला। उनके पिताजी ने इनको 300 प्रेस यानी कि वहां की करेंसी देकर एक वाइनरी में अप्रेंटिस के लिए भेजा, पर इनका वहां कोई गोल सेट नहीं था, माइंड में कंफ्यूजन बहुत था कि क्या करना है। जस्ट पिताजी ने बोला तो आगे वाइनरी में अप्रेंटिस करने, पर देखिए इनका ना तो कोई माइंड में कुछ था कि हाँ मुझे ये करना है। तो उन्होंने वहां सीजर रिट्स ने जस्ट वहां से मूव करके एक छोटे से होटल में एक नीचे स्टाफ की नौकरी ज्वाइन कर ली। वहां देखिए, अब वहां से इनकी शुरुआत होती है स्ट्रगल, वहां से इनको मिली है डिफिकल्टीज। जी हाँ, जब वो उस नीचे स्टाफ की नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने जब जब लोगों ने उनको डिमोटिवेट किया, इन्होंने सिर्फ एक चीज करी है, जब जब लोगों ने उनको डिमोटिवेट किया, इन्होंने हार नहीं मानी, अपने आप को बोला है नहीं, आई कैन डू दिस, मैं ये करूंगा। देखिए, इग्नोर एंड प्रोसीड। जब जब लोगों ने बोला, इग्नोर किया और आगे बढ़ते गए, इग्नोर किया और आगे बढ़ते गए। जी हाँ, जब लोगों ने बोला कि तेरे अंदर होटेलियर स्किल्स नहीं है, तेरे अंदर इंटरेक्शन नहीं है, बहुत रूड है, तेरे को कुछ नहीं आता, जब उन्होंने अपने अंदर बिल्ड किए हैं होटेलियर स्किल्स, इंटरेक्शन, गेस्ट सेटिस्फेक्शन, गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, वहां इन्होंने अपने अंदर जमाया और वहां से स्टार्ट किया है एक होटेलियर बनना। देखिए, कांटों पर चलने वाला व्यक्ति जल्दी मंजिल तक पहुंच जाता है। जी हाँ, कांटों पर चलने वाला व्यक्ति जल्दी मंजिल तक पहुंच जाता है, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। जी हाँ, के बाद ही वर्क्ड इन फ्रांस स्विट्जरलैंड एंड इंग्लैंड, उस निजी पोस्ट पे इन्होंने काम किया है, उस पेशेंस के साथ, उस धैर्य के साथ जो वहां उनको चाहिए था। जब वो अपना काम कर रहे थे डिफरेंट डिफरेंट होटल्स में उस निजी पोस्ट पे, तो वहीं उन्होंने समझ ली थी काफी सारी चीजें उस छोटी सी उम्र में, उस छोटी सी स्टेज पे, द गेस्ट इंटरेक्शन, गेस्ट कॉन्ट्रैक्ट, गेस्ट सेटिस्फेक्शन क्या होता है, बिजनेस पूरा मॉडल वहां समझ लिया था, पूरा बिजनेस मॉडल क्या होता है होटल का। देन ही बिकम इन जनरल मैनेजर इन द ग्रैंड होटल। देखिए, अपने इस स्ट्रेटेजी और इस रफ्तार के साथ, इस गोल के साथ, इस मेहनत के साथ वो दी ग्रैंड होटल के मैनेजर बन गए। जब उस टाइम पे ग्रैंड होटल में एक मास्टर शेफ हुआ करते थे, उनसे मिले, काफी रफ्तार किया, बिजनेस माइंड उनका इतना हो चुका था, सारी दिमाग में सब कुछ आ चुका था उनका, होटल स्किल उनकी मजबूत हो चुकी थी। तो उन्होंने मास्टर शेफ के साथ 9 रेस्टोरेंट ओपन किए। जी हाँ, 9 छोटे छोटे रेस्टोरेंट अपने देश में ओपन किए। उस 9 रेस्टोरेंट को चलाने के बाद उनको ये था कि नहीं, मेरे को और ऊपर जाना है, आई वॉन्ट टू ग्रो मोर, नहीं मेरे को और जाना है। अगर देखिए, अगर ये वहीं बंद कर देते तो 9 रेस्टोरेंट के मालिक होते ना, बट उन्होंने क्या किया, नहीं मुझे और ऊपर जाना है। ही बिकेम इन द जनरल मैनेजर ऑफ सेवॉय होटल। उस सिटी में सेवॉय होटल एक बहुत बड़ी ब्रांड हुआ करती थी, उसके जनरल मैनेजर बन चुके थे। देखिए, इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, सीजर सेवॉय होटल के जनरल मैनेजर थे, तो वहां का हर एक कस्टमर, हर एक गेस्ट आके उनको क्या बोलता है, सर आप क्या कर रहे हो, आप खुद का होटल खोलो, आप बहुत बड़े आदमी हो, बिजनेस स्ट्रेटेजी आपको आती है, आपके अंदर सारे मॉडल्स हैं। तो उसके बाद इन्होंने अपना एक होटल खोला जिसका नाम है द रिट्स पैरिस। जी हाँ, आज भी उस होटल को बहुत अच्छे से माना जाता है, द फर्स्ट होटल विच इज ओपन बाय मिस्टर सीजर रिट्स। जी हाँ, 1988 में इस होटल को खोला गया है, कुछ पार्टनरशिप पे गेस्ट थे जो कि उन्होंने वहां हेल्प की है उनकी। उसके बाद ये वहां भी नहीं रुके, इनका बिजनेस माइंड, इनकी स्ट्रेटेजी मेरे को बहुत पसंद है, इनका जो अंदर से जो पैशन है कुछ करने का, जो इनका स्टेमिना है इस चीज के लिए, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, बहुत मोटिवेटेड करता है हमको और बहुत इंस्पायर भी करता है। रिट्स पैरिस होटल वन ऑफ द बेस्ट लग्जरी होटल उस टाइम पे हुआ करता था, जो कि ओपन किया कराया गया था सीजर रिट्स के द्वारा।
इन्होंने जो पहले नौ रेस्टोरेंट खोल रखे थे, तो उसका रेवेन्यू प्लस ये होटल नया आ गया था द रिट्ज पेरिस, तो एक उसका रेवेन्यू। तो जब उनका रेवेन्यू एक अच्छी मात्रा में आने लगा तो उनके दिमाग में एक थॉट आया कि एक और होटल खोला जाए, जो कि खुलने वाला था 1902, हाँ जी 1902 में, कार्ल्टन इन लंदन, जी हाँ लंदन में अपना एक होटल खोलने वाले थे जिसका नाम था कार्ल्टन इन लंदन, जी हाँ। तो वो खोलने से पहले इनको एक डिप्रेशन मिला है, फैमिली प्रॉब्लम वहाँ हुई है, तो जस्ट उस टाइम पे इतने डिप्रेस हुए, इतनी डिफिकल्टी इनके सामने आई थी, अरे मैं अपना होटल ओपन तो नहीं कर सके, इनके फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, इनके स्ट्रगल्स डिफिकल्टीज दिमाग में, तो बहुत डिप्रेशन आ गया। तो उस टाइम पे इनका एक बेटा था जिसका नाम था कि चार्ल्स, जी हाँ, और एक व्यक्ति से मिले जिसका नाम था अल्बर्ट केलर, जी हाँ अल्बर्ट केलर और चार्ल्स ने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम था रिट्ज कार्ल्टन इन्वेस्टिंग कंपनी। लोग दूर दूर से आने लगे, उन्होंने इस कंपनी पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। अनफॉर्चुनेटली इन 1918 सीजर रिट्ज की डेथ हो चुकी थी, तो सारी जो कमान है कंपनी की, जो कंपनी का सारा भार है, वो दो बंदों पे आ चुका था, एक था चार्ल्स जो कि सीजर रिट्ज के बेटे थे, और दूसरा अल्बर्ट केलर जो कि पार्टनरशिप में थे। रिट्ज कार्ल्टन इन्वेस्टिंग कंपनी तो खोल दी थी, अब क्या था, इन्वेस्टिंग कंपनी का मतलब ये था कि लोग आ रहे थे, इन्वेस्ट कर रहे थे कंपनी पे, बट इनका एक रिट्ज ब्रांड इतना भाव यूएसए में हो चुका था, तो इन्होंने एक फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट कर दी निर्जा रिट्ज की यूएसए में, उससे बहुत सारा पैसा आ रहा था। जब भी उस टाइम पे आके इन्होंने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था रिट्ज कार्ल्टन बोस्टन, आपने आई होप कि आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा, जिसने भी सुना है वो कमेंट में लिख के जरूर बताए कि हाँ रिट्ज कार्ल्टन बोस्टन ये है। देखिए रिट्ज कार्ल्टन बोस्टन उन्होंने अचानक कंपनी की शुरुआत की, वहां से जो इनको डिमोटिवेशन मिला है, वहां डिफिकल्टीज आई है, अगर कोई और होता तो शायद यहाँ उसको बंद कर देता, जी हाँ। जब इनका रिट्ज कार्ल्टन बोस्टन ओपन होने वाला था तो 1929 में, जी हाँ, एक यूएसए स्टॉक मार्केट क्रैश आया था, सारे फ्रेंचाइजी सारे होटल्स एक बंद होने की कगार पे आ चुके थे, जी हाँ। बट द रिट्ज होटल एक अपने स्टैंडर्ड के लिए माना जाता था, अगर कोई गेस्ट भी आ रहा है तो ये लोग उसके लिए स्टैंडर्ड अपने मेंटेन करते थे, तो उस वजह से ये लोग गिरे नहीं, जस्ट वहां चलते गए। देन उसके बाद आया वर्ल्ड वॉर टू आने के बाद होटल्स जो थे ऑक्यूपाइड नहीं हो रहे थे, ऑक्यूपेंसी वहां नहीं मिल रही थी और घाटे में जा रहे थे, इतनी खराब कंडीशन वहां होटल्स की आ चुकी थी और नीचे वो जा चुके थे, यूरोप यूएसए फाइनेंशियली क्रैश हो चुके थे, बट वहां अल्बर्ट केलर और चार्ल्स ने अपने आप को नहीं हारने दिया और वहां उस टाइम पे वो टेके रहे। अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, ये ट्रेवल कंडीशन थोड़ी ठीक ठाक हुई, लोग ने आना जाने स्टार्ट किया, वर्ल्ड वार हो चुका था, क्रैश भी खत्म हो चुका था, तो एक हर बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम आता है ना, तो वहां अच्छा टाइम आने के बाद लोग होटल्स में जा रहे थे, तो इन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपेंशन स्टार्ट किया है मैड्रिड रोम, तो वहां उन्होंने अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है। और 1976 फाइनली अनफॉर्चुनेटली वहां चार्ल्स की भी डेथ हो चुकी थी। चार्ल्स कौन थे? द सन ऑफ सीजर रिट्ज, जी हाँ, चार्ल्स की भी डेथ हो चुकी थी, वहां अकेला बंदा जो बचा था वो था अल्बर्ट केलर जो पूरी ब्रांड को संभाल रहा था। देखिए विलियम बी जॉनसन की कंपनी थी यूएस बेस्ड, जो कि 1983 में इस कंपनी को खरीद लिया था, द रिट्ज कार्ल्टन बोस्टन कंपनी, और इस कंपनी को खरीदने के बाद इस कंपनी ने सन 2000 तक, देखिए ईयर 2000 तक अपनी 40 प्रॉपर्टीज ओपन कर दी थी जो कि रिट्ज कार्ल्टन नाम से हुआ करती थी। देखिए 40 प्रॉपर्टीज सिर्फ 2000 तक ओपन कर चुकी थी विलियम बी जॉनसन, इस कंपनी के फाउंडर थे, अगर रिट्ज सीजर ही ना होते तो ये कंपनी कहां से आती, तो उस एक आदमी ने, उस एक शख्स ने कहां से उठ के कहां तक पहुंचा है और कितनी बड़ी ब्रांड उसने बना दी है। जैसा कि हम सब जानते हैं आज के टाइम पे रिट्ज कार्ल्टन जो कंपनी है, जो होटल्स हैं, वो आते हैं मैरियट इंटरनेशनल के अंदर, जी हाँ। सो 1990s में क्या हुआ था, 1990s में इसकी पेरेंट कंपनी बन चुकी थी मैरियट। अब रिट्ज कार्ल्टन कंपनी को इस बात का डर था कि मैरियट ने इसको, मैरियट हमारी पेरेंट कंपनी बन चुकी है, हमारे स्टैंडर्ड एसओपीज हमारा सारा जो सिस्टम है वो मैरियट के हिसाब से चलेगा, बट देखिए मैरियट ने वहां एक बात बोली कि जो सीजर रिट्ज है, जो उन्होंने स्टैंडर्ड बनाए इस कंपनी के लिए, जो भी एसओपीज बनाई है ये उसी हिसाब से चलेगी। जो उस टाइम पे मैरियट के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उन्होंने सिर्फ एक बात बोली थी, ऑल काइंड्स ऑफ स्टैंडर्ड विच इज मेड बाय सीजर रिट्ज आई एम इंस्पायर्ड ऑफ देम, मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ, ये बात उन्होंने बोली थी, इसलिए आई कैन नॉट डू चेंज ऑफ एनी वन ऑफ स्टैंडर्ड फ्रॉम देम, मैं किसी भी स्टैंडर्ड को चेंज नहीं कर सकता, ना मैं एसओपी को चेंज करूंगा, मैं बहुत उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। कार्ल्टन कंपनी अब एक मैरियट के अंदर आ चुकी थी, अच्छा इन्होंने मार्केट वैल्यू बना ली थी, आज के टाइम पे जितने भी रिट्ज कार्ल्टन के होटल है वो सब उन्हीं की देन है, हमें पता है कि रिट्ज सीजर की देन है। देखिए पर मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूँ जो आपको बताएगी कि वाई रिट्ज कार्ल्टन होटल इज सो फेमस, वो इतना ब्रांडेड कंपनी क्यों है, जी हाँ। देखिए एक टाइम की बात है जब
एक रिट्ज़ कार्ल्टन होटल के एक होटल में एक गेस्ट आई थी, कोई लेडी गेस्ट थी जो उसको कैंसर था, तो होटल वालों ने उस लेडी को जब तक वो मरी नहीं जब तक उसी होटल में रखा फ्री ऑफ कॉस्ट। उस होटल वालों ने उस लेडी को ये कभी महसूस होने नहीं दिया कि उसको कैंसर है, ऑल टाइम उसको इतना एंजॉय कराया, उस लाइफ को जो उसकी बची हुई लाइफ थी उसको इतना इंजॉयबल बना दिया कि उस लड़की को ये पता नहीं चला कि मैं मेरे को कैंसर है, मेरे को आगे जाके मरना है। जी हाँ, उस लड़की के मरने के बाद होटल वालों ने उसकी जो फैमिली थी उसकी सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि वाई रिट्ज़ कार्ल्टन इज सो केयरिंग और वो इतनी ब्रांड कैसे बनी है। देखिए इनके प्रिंसिपल, इन्होंने प्रिंसिपल बना लिए, इनके 5 प्रिंसिपल है जो इनपे काम करते हैं। देखिए फर्स्ट रिफाइन एंड डिफाइन, फर्स्ट इनका प्रिंसिपल है रिफाइन एंड डिफाइन। सेकंड, ये ट्रस्ट पे काम करते हैं, ट्रस्ट, ये ट्रस्ट बना लेते हैं कस्टमर और अपने अंदर, द ब्रांड एंड कस्टमर के अंदर एक ना ट्रस्ट बना लेते हैं जो कि उस पर काम करते हैं। थर्ड, डिलीवर वाओ। जी हाँ, इनका वाओ फैक्टर है। देखिए एक बात, एंटीसिपेटिंग, आपको पता होगा इसका मतलब क्या है। देखिए गेस्ट को, हमें पता है कि गेस्ट को इस चीज की नीड है, उससे पहले उसको सर्व कर देते हैं, सो दिस इज डिलीवरिंग वाओ फैक्टर। इनका चौथा प्रिंसिपल, इट्स नॉट अबाउट यू। देखिए ये क्या करते हैं, ये लोग हायर नहीं करते, ये लोग सेलेक्ट करते हैं। जी हाँ, ये क्या करते हैं, ये लोग हायर नहीं करते, ये सेलेक्ट करते हैं। और देखिए पांचवी चीज, इनका फीडबैक एंड फुटप्रिंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग अपने फुटप्रिंट ऐसे दे देते हैं गेस्ट को कि रिपीट बिजनेस आएगा, लौट के आएगा। तो इन 5 प्रिंसिपल पे ये काम करते हैं। और कुछ खास बातें आपको बता देता हूं मैं रिट्ज़ कार्ल्टन होटल कंपनी की। पहली चीज, ये अपने एम्प्लॉय का बहुत ध्यान रखते हैं। जी हाँ, देखिए व्हाई एवरीवन वांट्स टू जॉब इन रिट्ज़ कार्ल्टन, ये अपने एम्प्लॉयज को इतने बेनिफिट्स दे देते हैं कि कोई भी इनकी नौकरी, कोई भी इनकी कंपनी को छोड़ना नहीं चाहता। क्या बोलते हैं इनके प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनना, क्या बोलते हैं, मैं बात सुनता हूँ एक जीएम से लेके एक लॉन्ड्री वॉशर तक की। देखिए एक नीचे लेवल से स्टाफ से लेके ऊपर लेवल तक स्टाफ की हर बात सुनते हैं। मैंने बताया डिटेल में रिट्ज़ कार्ल्टन कंपनी के बारे में, उनके फाउंडर्स के बारे में, एक 2 से 3 जितने भी उनके फाउंडर्स चेंज हुए हैं, कैसे कंपनी को एक जीरो से लाके हीरो पे खड़ा किया है। जी हाँ, जीरो से लाके हीरो पे खड़ा किया है। पहले आए थे सीजर रिट्ज़, एल्बर्ट केलर, चार्ल्स वी विलियम जॉनसन, देखिए इतने सारे लोग इस कंपनी में आए हैं, बट जो शुरुआत की है वो उस बंदे का नाम क्या था, सीजर रिट्ज़। तो इस वीडियो के अंदर आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा। रिट्ज़ कार्ल्टन के अभी 46 होटल्स अंडर पाइपलाइन है जो कि आपके आगे अपकमिंग में खुलने वाले हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत मोटिवेशन इस वीडियो से मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, मैं कुछ इस तरह की वीडियो आपको देता रहूंगा जिससे आपको बहुत ज्ञान हो। सो थैंक यू सो मच।